ये पोलिटी सीरीज का पार्ट 8 होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पोलिटी से रिलेटेड, हम वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। और 2023 तक का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी 2023 में पेपर हुआ था, शायद मई में हुआ था, आई थिंक मई 14 मई, मुझको एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन शायद मई, हाँ शायद 2023 मई को हुआ था। और ये जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर एमसीक्यू को मैंने फॉर्म किया है। तो और मैंने ज्यादा एक लेक्चर के अंदर ज्यादा एमसीक्यू नहीं डाले, मतलब छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं जिससे सारे जल्दी जल्दी कवर हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। तो हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे कुछ स्टेट पीसीएस के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लगाने जरूरी होते हैं, जिसमें से यूपी पीसीएस एक है। बाकी अगर आप दूसरे साल मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो जैसा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि मतलब वो तो टुच्चे से भी टुच्चा काम कर रहे हैं, जैसे कि मतलब नाम ही लेता हूँ, उनका पेपर कब होता है, पेपर का मेंस कब होता है, फिर उसके बाद में तो ऐसे लोग, ऐसे जो आयोग होते हैं, मतलब ऐसे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उनके साल आप क्वेश्चन पेपर पिछले साल के लगाओ या मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई उनका कुछ नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता, शेड्यूल नहीं होता, कुछ नहीं होता उनका, बस वो ऐसा धर्मशाला सी खोल कर रखी हुई कि जब मनमाए चले जाओ, जब मनमाए आ जाओ। तो ऐसे का तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है और 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 में से उनको अपनी क्वेश्चन बैंक को भरना होता है। तो पिछले साल के क्वेश्चन भरेंगे, पोलोटी के डाल देंगे 20 से 30, मतलब भर देंगे एकदम, आप समझ रहे हो। तो पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए लगाना जरूरी होता है। चलो तो इसको हटाते हैं। देखो, मेरा इंटेंशन मतलब किसी भी आयोग को मतलब कुछ ऐसा गलत कहना नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये, आप एक शेड्यूल तो रखो, कुछ शेड्यूल नहीं है। जरा सोचो कि पिछले बच्चे मतलब सारे रिसोर्सेज अपनी गाय भैंस बैल बेचकर जमीन बेचकर तैयारी करते हैं कि भाई कुछ भी बनेंगे, पेपर ही नहीं होता 4 4 साल से। मतलब कुछ को 2023 में, शायद 2022 या 2021 में पेपर हुआ था एक उसका, यूके उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, और अभी अभी उसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, बताओ। मतलब ये है क्या, ये इससे तो बंद ही कर दो इनको, इनको मतलब थोड़ी खुला, मतलब थोड़ी है इन सारी चीजों का कि आपको कोई नाम करना है कि झंडे गाड़ने की, देखो हमने ये खोल कर रखा हुआ है तो हमको कोई अवार्ड मिल रहा है, बंद कर दो इनको, कोई फायदा थोड़ी है इन सारी चीजों का, नाम कर रखा है कि खोल कर रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है, क्या फायदा है ऐसी पावर का भाई। आपको बनाया गया रेगुलर वैकेंसी निकालो, आप निकाल दे क्यों नहीं, अगर आपका छोटा स्टेट है तो कम से कम 20 वैकेंसी तो निकालो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिकॉर्ड देख लो आप, छोटा सा स्टेट है, हर साल मतलब कोई साल ऐसा होगा हर साल वैकेंसी निकालता, भले से 20 निकाले, एक रिदम तो बनी हुई है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब ये विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, देखिए जब एक स्टेट बनता है, स्टेट कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं है यहाँ पर, स्टेट का मतलब जब कोई भी एक नेशन बनता है, तो नेशन बनने के लिए जैसे इंडिया एक नेशन है और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक नेशन, तो इसके लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है। एक तो आपके पास जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, टेरिटरी, ठीक है, दूसरा उस टेरिटरी पर लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, तीसरा उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, और फोर्थ वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है उस, जो भी आप मतलब ये सब चला रहे हो, क्या ये अपनी मर्जी से कर रहे हो या बाहर बैठी हुई कोई पावर आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इसको बोलते हैं सॉवरनिटी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉवरनिटी। तो क्या आपके पास सॉवरनिटी है पूरी कि सॉरी कि आप अपनी कोई पॉलिसी बनाई, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना काम करता है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि श्रीलंका, ये कोई स्टेट नहीं है। अगर आप, मैं कुछ स्टेट के बारे में बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, श्रीलंका कोई स्टेट नहीं है, और नेपाल भी अपनी जो सॉवरनिटी को खोता जा रहा है, पाकिस्तान में कोई सॉवरनिटी नहीं है, ये तीन चीजें हैं लेकिन ये नहीं है। तो ये तो मेन एलिमेंट है किसी भी नेशन के बनने के लिए, ये मेन एलिमेंट होता है, अगर ये नहीं है तो मतलब आप स्टेट ही नहीं हो, आप एक कठपुतली हो। तो इंडिया जब भी डिसीजन लेता है तो इंडिया
अपने दम पर डिसीजन लेता है। तो इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री, तो टेरिटरी होने से, लैंड का टुकड़ा हथियाने से, या उसको लोग बसाने से, या उसको गवर्नेंस करने से कोई वो देश नहीं बन जाता है। सॉवरनिटी मेन एलिमेंट होता है, तो सॉवरनिटी इसका जो है आंसर है। तो पाकिस्तान कोई सॉवरन सॉवरन नहीं है, पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो अपनी सॉवरनिटी खोते जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के मामले में, मतलब दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। क्या हुआ वहां पर, क्या कहते हैं, श्रीलंका में यही हुआ कि जब पैसे मांगने होते, भीख मांगनी होती है, तो इंडिया के पास आ जाता है। अदरवाइज वो उसको गवर्नेंस बाहर से कौन कर रहा है, उसकी जो सारी वो करता है चाइना करता है। अभी मालदीव में क्या हुआ था, वो कि मालदीव, मालदीव कोई सॉवरन थोड़ी है। मतलब मालदीव इतना है कि, मतलब सच बताऊं तो जरा सा लैंड का टुकड़ा है। अगर इंडिया के लोग सारे मिलकर एक समुद्र में पॉटी कर दे, तो इससे ज्यादा बड़ा आइसलैंड बन जाएगा। इतना छोटा सा टुकड़ा है, तो वो सॉवरन थोड़ी है, बस चला रहे हैं वो, क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सॉवरनिटी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। देखिए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन, तो ये सही बात है, इंडिया एक मेंबर है। और इंडिया जब इसका मेंबर बना, तो इंडिया की सॉवरनिटी खोई नहीं है। कभी कोई सोचने लगा कि भाई इंडिया ने दूसरी मेंबरशिप ले ली तो इंडिया की जो सॉवरनिटी वो खोई गई, नहीं। तो ये साफ साफ बोला गया था कि भैया इंडिया जो है सॉवरन कंट्री है। जब इंडिया ने इसकी मेंबरशिप हासिल की थी 1949 में, तो इंडिया एक सॉवरन कंट्री था शायद 1949 में। हाँ, कि शायद मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं है, लेकिन आई थिंक शायद यही थी। द सॉवरनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। भैया ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंडिया की सॉवरनिटी अभी भी बरकरार है, ठीक है। कर्टेल का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई है, ठीक है। ये राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता में कटौती की जाती है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है दूसरा वाला। तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वाले देख सकते हैं, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। देखिए, अगर आप आज के डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम में जाओ, तो आज का जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है वो दो टाइप का है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो दो टाइप की चीज मिलेगी आपको। एक तो मिलेगी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा मिलेगी आपको प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल के अंदर, जरा सुन लो इसको, क्वेश्चन है। प्रेसिडेंशियल के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, हेड ऑफ द स्टेट, ये बहुत पावरफुल होता है। और ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक लॉ पर काम करती है, लॉ ऑफ सेपरेशन, कंप्लीट कंप्लीट पावर ऑफ द सेपरेशन, इस लॉ पर ये काम करती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव, और यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी होती है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव बनाएगा, ठीक है, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट रखेगा, कुछ भी रखा, बिजनेसमैन रख सकता है, कोई भी रख सकता है। जैसे यहाँ अमेरिका के अंदर देख सकते हो, श्रीलंका के अंदर है ये, तो वहां पर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत खराब है, लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़कर इंडिया ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत बेकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। लोगों को पता नहीं होता, ऐसे बोलते रहते हैं। पार्लियामेंट्री देखिए, तो इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग होते हैं। कोई ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये लेजिस्लेटिव के लिए जिम्मेदार नहीं होते। अगर इन्होंने कुछ काम गलत कर दिया, तो ये अपनी जिम्मेदारी लेजिस्लेटिव में जाकर ऐसे रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इनके बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो लेजिस्लेटिव होती है, लेजिस्लेटिव का मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो होती है, और एक होती है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव पे जो बंदे होते हैं जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हो गया, एग्जीक्यूटिव का बंदा है, और हमारे क्या नाम उनका, जिनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री, वो नाम कोई का है, मोटे मोटे जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ले लो यार, ये सिंपल सी बात है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो इनके जो मिनिस्टर है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, और तो वो लेजिस्लेशन में भी बैठते हैं, ठीक है। जो अपनी जो जितनी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पहले ये लॉ पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से लॉ पास करवाएंगे लेजिस्लेशन, भाई एक मुल्क को एक लॉ पास कर दो, फिर भी ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेटिव पर डिपेंड करते हैं, और ये लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं। तो पहले यहाँ पर आप बैठ कर पॉलिसी बनवाएंगे, पहले पॉलिसी बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर ये जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया के अंदर भी, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीच वन ऑफ द जी, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ तो बहुत ज्यादा करप्शन है, हद से ज्यादा करप्शन है, सच बता रहा हूँ मैं वहां पर। लेकिन वो तो प्रेसिडेंट, उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत टाइम से चलाते हुए आ रहे हैं, तो उसके लूप होल उनके बारे में पता है हमको। लेकिन इंडिया के अंदर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन के टाइम से, मतलब जब से ब्रिटिश सर ने इंडिया पर राज करना शुरू करा था तब से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर कौन कौन से नहीं है? देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो फेडरल भी है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये भी है हमारे यहाँ पर, सॉरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं है। तो इंडिया का जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन की जो पॉलिटी है, उसका नेचर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। मैं हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप हिंदी वाले जो कर रहे होंगे उसको अटेम्प्ट करते जाएं, बस मेन थीम को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप अगर समझ जाते हो इन सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को तो फिर आप क्वेश्चन कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, तो जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो लेजिस्लेटर है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस होते हैं। जैसे ये हो गया लेजिस्लेचर हो गया, तो ये लॉ बनाएंगे। अब लॉ जब बनाएंगे तो ये ऐसा लॉ बनाएंगे कि एग्जीक्यूटिव उससे जाकर बाहर काम ना कर सके, ठीक है? अगर एग्जीक्यूटिव ने इस लॉ से जाकर बाहर काम किया तो समझो क्या होगा, इस इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, राजनाथ सिंह या दूसरा कोई मिनिस्टर, ये क्योंकि एग्जीक्यूटिव है और इन्होंने कोई ऐसा काम किया जो कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर, लॉ नहीं बनाया उस पर, और फिर भी इन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया, वो मतलब इससे बाहर है, तो मतलब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। तो ये जो है लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। लेकिन एक बात भी होती है, छोटे छोटे एक्शन, जैसे कि अभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ब्यूरोक्रेट, जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, ब्यूरोक्रेट होते हैं ईमानदार, तो वो क्या काम करते हैं, लॉ उनको ऐसा कुछ लॉ में लिखा हुआ नहीं है कि भाई तुम आपको ऐसा काम करना था, लेकिन उनको एट द टाइम ऑफ जब वो कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस पर एक्शन लेना होता है, और वो लॉ में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी उनको एक्शन लेना होता है। और जब कभी कभी क्या होते हैं, जो जो करप्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं वो उन पर एलिगेशन लगा देते हैं कि देखो इसने जो है ये वाला काम कर दिया, ये तो है ही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके इसने कैसे अपनी वजह से ये पावर को यूज किया है, ये तो गलत मिस यूज ऑफ द पावर हो गया, इसकी वजह से उनको जेल में डाल देते हैं। और फिर वो, क्योंकि वो प्रूव भी नहीं कर पा सकते, प्रूव भी नहीं कर पाते कि भाई देखो ये हमारे लॉ के अंदर लिखा हुआ है ही नहीं है या है, तो फिर मतलब ऐसे ईमानदार लोगों को, ऐसे बहुत सारे मतलब हजारों केसेस हैं ये जो हमारे यहाँ पर, मतलब जिसकी सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो। इंडिया इज द मोस्ट करप्टेड कंट्री, पाकिस्तान के आसपास आते हैं, तो करप्शन के मामले में मतलब यहाँ पर पहले से मतलब थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ है। मतलब 100 रुपए अगर आते हैं तो 100 में से मतलब गरीब के पास शायद ही 5 रुपए या 2 रुपए पहुंचती, इतना करप्शन है अभी भी है। प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चला रखी है वो, जिसमें मकान बनवाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब ग्राउंड लेवल पर इतना करप्शन है। बेचारे गरीब लोगों को शायद मुझे लगा 1,20,000 रुपए के अबाउट उनको मिलता है, उसमें से इनको केवल 1 ही लाख मिलता है, कहने के लिए खाते में आता है, वो आता ही नहीं है भैया। ये जो लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है, मतलब मेरे, मतलब मैंने सच बताऊं मेरी आंखों के 500 केसेस ऐसे हो रखे हैं, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो ब्यूरो करप्शन कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट, ठीक है, लोकल लेवल पर जो पंचायती राज के प्रधान होते हैं, ये करते हैं, डराएंगे लोगों को, डराते हैं, ये काम नहीं करेंगे, तुम्हारा घर करवा देंगे, ये करवा देंगे, फलाना करवा देंगे, वहां के जो लोकल गुंडे होते हैं वो, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सोसाइटी मतलब बहुत दिक्कत है, कुछ बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। चलते, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड। देखिए, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे डोनाल्ड, सॉरी, अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वहां का प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट चाहे, जैसे आपका जो प्रेसिडेंट है वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उस टाइप के हैं कि रोबोट में चाबी भरो, वो जितनी भी चाबी उसमें भरोगे वो उतना ही बोलता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप सच बताऊं तो अमेरिका के लिए बेस्ट प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है, वो अमेरिका के बारे में सोचता था।
और क्या चल रहा है वर्ल्ड के बारे में, उसके बारे में सोचता था। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर है, कोई पावर है तो ये अब इनके हाथ में इतनी सेंट्रलाइज पावर दे रखी है वहां के प्रेसिडेंट के हाथ में, अब ये 20 ट्रिलियन का घोटाला कर दें, 40 ट्रिलियन का घोटाला कर दें, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अपना इतना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, लोगों को पता भी नहीं होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर एक ही बंदे के हाथ में देना, इतना बवाल करना, वो ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई है। देखो डिक्टेटरशिप का सिम्टम, जैसे बुखार आता है, जैसे मान लो कोई बीमारी होगी तो उसके सिम्टम होते हैं, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि इलेक्शन नहीं होते। आप समझ रहे हो, सबसे बड़ा अगर किसी भी देश में डिक्टेटरशिप आ गई तो आप समझ जाना वहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो अब यहाँ पर मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को एलिगेशन लगाती है इंडिया के अंदर, तो मतलब वो सही बात नहीं है। कि एक्चुअली होता क्या कि ये लोग जनता के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं वोट के नाम पर, कि भाई किसी तरह से हमको वोट मिल जाए, सहानुभूति, करप्शन के नाम पर। लोग अभी आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े लीडरों को जेल में डाला गया है, बहुत से तो बाहर है, लूप होल की वजह से बाहर रहते हैं वो। उनमें इतने मतलब 6-6 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के एलिगेशन लगे हुए, तब भी वो बाहर घूमते रहते हैं क्योंकि उनको लूप होल के बारे में पता है। तो करप्शन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर। पावर माने के लिए वो हिंदू मुस्लिम कराएंगे, देखो ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं ना। उनको पता है कि पावर एक ऐसी चीज है कि मतलब किसी को भी मरवा दो, उठवा दो, किसी भी ब्यूरोक्रेट को अंदर करवा दो, किसको सही कहना है, किसको गलत कहना है। मतलब इतने बड़े इतना बड़ा मतलब बवाल चल रहा है कि इनके हाथ में इतनी पावर आ जाती है कि अगर ये बोले ना कि आप रात को दिन बोलो तो मतलब समझ लो रात को दिन ही बोलना पड़ेगा। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डिनल फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने हिंदी वाला लगाया क्या यहाँ पर पीछे क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो आंसर था वो प्रेसिडेंट है, ये इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार्डिनल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, कार्डिनल का मतलब होता है क्या, अच्छे अच्छे फीचर हैं, मतलब फ्रेंडली फीचर, ठीक है, तो प्रमुख फीचर भी बोल सकते हो। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का एक क्वेश्चन पूछा था, आया था, उसका क्या मतलब होता है। रिपब्लिक की दो मतलब होते हैं, कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, मैं बता रहा हूँ ऐसी क्वेश्चन जल्दी जल्दी, हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे इंडिया के अंदर, हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं है अगर आप सोच रहे हो। हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कैसा इलेक्ट होता है, क्या प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो एक हिरार्की है। हिरार्की का मतलब ये होता है, हिरार्की का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे बनते ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, हर बार प्रेसिडेंट बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, इलेक्शन जैसा लोग चाहेंगे, भले से इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डेमोक्रेटिक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल बात ठीक है। सुप्रीम सुप्रीम पावर वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है। अभी बात बताऊंगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। इट प्रोवाइड फॉर द यूनिफाइड अथॉरिटी, देखिए यूनिफाइड अथॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर यूनिफाइड एक ही अथॉरिटी है, भाई ये पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है 7 शेड्यूल के अंदर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये वाला स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट गलत है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, और फर्स्ट से लेकर 3 तक ठीक है, तो आंसर इसका इसका ये हो जाएगा। देखिए समझे जनाब, क्या बता रहता हूँ। हाँ देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें हमारे प्रीएम्बल में लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी, ठीक है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये लोग जो थे ये इन्होंने अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी है। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग बैठे थे उनको कहाँ से आए थे, प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्शन हो आए थे उनके, और इन प्रोविंशियल इलेक्शन को कौन मतलब किसको चुन रहे थे, लोग चुन रहे थे। तो मतलब है तो लोगों को रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये थी कि इसको जो चुनको आना चाहिए था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से चुनको आना चाहिए था, लोगों को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए था इनके इलेक्शन में। तो जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब बोला जाता है कि माइनॉरिटी का जो है ध्यान नहीं रखा गया था, वो अम्बेडकर साहब थे, कि अम्बेडकर साहब की वजह से माइनॉरिटी का ध्यान, ये जो वो आज रिजर्वेशन मिला हुआ है तो अम्बेडकर साहब की देन है, आप इसलिए वो है। मतलब आप ये बोलो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अम्बेडकर साहब जो है भगवान थे जो इतना ध्यान रखते थे। चलो हाँ, तो लोगों का अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, लोगों के पास। लोगों ने अपनी पावर किसको दी है, कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड किया था, या स्टेट के पास इतनी जो ये होते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और साउथ इंडिया के स्टेट, तमिलनाडु, केरला, इनके पास कितनी पावर है, और यूनियन गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी है, लोगों ने। तो अल्टीमेट जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ये सही बात है।
इंडिया सॉवरन स्टेट, ये भी सही बात है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये भी सही बात है। और इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, आपने देखा होगा अमीरों से पैसे लेकर गरीब मतलब टैक्स के फॉर्म में वसूल कर और गरीब कल्याण योजनाओं में लगाया जाता है, तो मतलब वेलफेयर स्टेट है। तो इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है, डी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, भारत का एक लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, व्यवस्था वाला देश है। तो आप जो है स्टेटमेंट मतलब हिंदी वाले देख लेना, मैं दोनों पढ़ूंगा तो फिर मतलब बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, समझाने में दिक्कत होती है थोड़ी, मतलब वो समझाने वाला कॉन्सेप्ट और बड़ा हो जाएगा, हिंदी में पढ़ूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो हमारे यहाँ पर देखिए ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का कोई फीचर नहीं है, साफ साफ आंसर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है हमारे यहाँ पर, रूल ऑफ लॉ है। आर्टिकल 14 के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करिए, जब फंडामेंटल राइट में आपको कराऊंगा, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अभी जनरल इलेक्शन चल रहे हैं। गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, मतलब मैंने आपको बताया अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास। लोगों ने किसको पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को फॉलो किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलो, एक सेकेंड हिंदी वालों के लिए मैं बता दू, हिंदी वालों के लिए बताया मैंने। हाँ, तो हिंदी वालों के लिए यहाँ पर ये डी आंसर है, हिंदी वालों के लिए भी बोल दे मैंने, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की फिलोसफी नहीं है, तो वेलफेयर स्टेट है इंडिया की, ये सही बात है। सोशलिस्ट स्टेट है, ये भी बात है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है हमारे यहाँ पर, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ये भी सही बात है। लेकिन कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है हमारे यहाँ पर, तो ये आंसर मतलब यही हमारा आंसर है। तो गलत का ये मैंने सही चेक मार्क लगा दिया, ये आंसर नहीं है। उसने ये पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है इंडिया की फिलोसफी के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसका जो है ये कम्युनिस्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एंड द लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रेसिडेंशियल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल है ही नहीं है, तो वो हो रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये गलत हो गया। इंडिया इज अ टाइटूलर मोनार्की, टाइटूलर मोनार्की नहीं है हमारे यहाँ पर। जो हेड ऑफ द स्टेट है इसका मतलब देखिए, ये मतलब लोगों को देखिए, आप पॉलिटी की मतलब तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ वर्ड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे टाइटूलर मोनार्की का क्या मतलब हो, मतलब ये हो गया कि भाई हमारे यहाँ पर हायरार्की है, हायरार्की मतलब हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, उसके इलेक्शन नहीं होते, वो किंग की फॉर्म में है। जैसे हमारे यहाँ पर अब किंग थोड़ी होता है हेड ऑफ द स्टेट हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर तो किसी को भी बना देंगे भाई, जब लोगों ने जिसको ज्यादा वोट देती है उसको बना देंगे हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया इज ए ऑटोक्रेसी, इंडिया इज ए ऑटोक्रेसी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के हाथ में मतलब ऑटोक्रेसी नहीं है, एक ही बंदे के हाथ में पावर नहीं है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सही बात है। तो इसका जो आंसर है वो डी है। तो ये जो आज का लेक्चर था वो काफी मतलब समझने वाला लेक्चर था, रटने वाला तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, फिलोसफिकल भी था थोड़ा। तो हम इसी की लेक्चर का मतलब यही सब आगे डिस्कशन करेंगे, तो इंडिया का सिस्टम कैसा, गवर्नेंस सिस्टम कैसा है। तो नेक्स्ट दो लेक्चर उसी पर बेस होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।